स्टार्ट। धन्यवाद यीशु, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो पिता। आज के इस दिन के लिए हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरी बुजुर्गी के लिए, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हर वायदों के लिए। तू अच्छा है, तू भला है और तू हमारे साथ है, इसलिए हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद देते हैं। ये आराधना प्रभु हम भेंट करके तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु इस आराधना में तू हमें चला, आने वाले वचनों में तू हमें चला और इस सारी बातों से सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी बुजुर्गी के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। हालेलुया। We worship you. Yes, you're supposed to pass the push.
कुछ संभालने वाला परमेश्वर है, यहोवा इरे परमेश्वर है, हमारे लिए प्रबंध तूने किया है, तू यहोवा राफा है, हमारी चंगाई है। हालेलुया, आइए परमेश्वर के लोग उसकी सामर्थ पर भरोसा रखो, उसके लहू पर भरोसा रखो जो आज भी छू कर आपको चंगा कर सकता है। इस समय में अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, जो विनती आपने आज तक की है याद रखिए, विश्वास कीजिए, हर एक विनती प्रभु ने आपकी सुन ली है, हर एक दुआ को उत्तर आपको दिया है। आने वाले दिनों में एक अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में आप देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह की गवाही देने जा रहे हैं। हालेलुया, अपने आंखों को बंद करते हैं, यीशु मसीह की ओर नजर लगाइए। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हाँ मेरी इच्छा है कि तू चंगी हो जाए, हाँ मेरी इच्छा है कि तू चंगा हो जाए, तू भला अच्छा रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हम करते हैं, हमारे आंसुओं को निहारने वाले परमेश्वर, हमारी विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर, आज हम तेरी ओर देखते हैं, तू ही इन दिनों में हमारा सहारा है प्रभु, और तू ऐसा भक्कम सहारा है प्रभु कि हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं।
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ। परमेश्वर ने और एक इतवार हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद। Thanks be unto the Lord for having added one more Sunday to our life। कितने ऐसे लोग हैं जो आज का दिन देखने पाए, लेकिन प्रभु की दया से हमें ये और एक इतवार मिला है। There are so many people who are unable to see this Sunday, but it is only the Lord's grace that we are able to see it today। आइए सुंदर आराधना के बाद हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। After the beautiful worship, let us get into the word of God। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। Let us listen from the word of God। प्रार्थना करते हैं। Let us pray। स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु। Heavenly great Father, we thank you from the very depths of our heart। एक बार फिर से तेरे वचन को सुनने के लिए हम भूख और प्यास से तेरे पास आए हैं प्रभु। Lord, with great hunger and zeal, we have come to listen to your word, Lord। मरियम के समान हम तेरे चरणों में आते हैं, हमें तृप्त कर परमेश्वर। Lord, we come to you like a Mary, O Lord, satisfy us, O Lord। तेरा वचन आज हमसे बातें करे परमेश्वर। Let your word speak to us। तेरा वचन हमारे जीवन की कमजोरियों को हटाए। Let your word remove all the weaknesses जहां कमजोर हैं परमेश्वर, वहां हमें मजबूत करे हैं। Lord, let it strengthen us in the areas that we are weak। तेरा अभिषेक हमें दे परमेश्वर। Give us your anointing। तेरे वचन का आदर और सम्मान हम करें परमेश्वर। May we honor your word, O Lord। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Lord, I thank you। विश्वास सुनने से आता है, सुनना तेरे वचन में है। Faith comes by hearing and hearing the word of God। इस हफ्ते में प्रभु हमें एक बार वापस हमारे विश्वास को ऊंचा कर परमेश्वर। Lord, this week once again strengthen our तेरे वचन से हम दाएं बाएं ना मुड़े परमेश्वर। Lord, through your name we receive the तेरे वचन में किसी प्रकार का समझौता ना हम करें प्रभु। May we never compromise with your word, Lord। सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory and honor। तेरा दास अपने आप को नम्र और दीन करते हुए तेरे स्वाधीन अधीन होता है परमेश्वर। As your servant, Lord, I humble myself and surrender myself into your hands, Lord। इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज परमेश्वर। Send forth your anointing upon my mouth and my tongue। मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हों। Let it be the mouth of your servant, but Lucy, your voice unto your people। बेटी उसे भी अभिषेक कर परमेश्वर। Bless my spiritual daughter Lucy, O Lord। सारी महिमा गौरव आदर स्तुति पिता मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory and honor। तेरी महिमा तेरी स्तुति हो। To you be the praise and the glory। यीशु के नाम में। In Jesus name I pray। Amen। Amen। आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलते हैं। Let us look into the word of God। Yes, आप बाइबल के साथ अगर आप बैठे हैं तो मैं चाहूंगा एक घंटा आप लोग मेरे साथ परमेश्वर के वचन में रहिए। As you are listening to the word of God, I request you to stay tuned for 1 hour। सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने घर में आइए, हम लोग ऐसे बैठे जैसे हम चर्च में हैं। Lay aside all your work and even if you are sitting in your house, sit परमेश्वर in such के वचन का आदर और सम्मान हम लोग करें। Let us give due respect and honor unto the word of God। आइए हमारा जो विषय है मैं आपको वापस में बताना चाहता हूँ। Let me tell you about the topic that we are learning। परमेश्वर के दर्शन की खोज कर रहे हैं। We are the people who are seeking the कैसे Lord। कैसे हम परमेश्वर को पा सकें? How can we receive the Lord? पिछले दो सीरीज के अंदर हम लोग ने देखा, पहला हम लोग ने देखा था कि हमें परमेश्वर को पाना है, उसके करीब जाना है तो उसके वचन का आदर और सम्मान करना है। Firstly, we had learned if we desire to go close to the Lord, then we need to honor Him and respect Him। फिर पिछले रविवार के दिन हम लोग ने देखा कि हमें उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में जाना है। We need to honor and respect His word, then we need to approach Him through fasting and prayer। आज हम लोग देखेंगे मध्यस्थता करना, मध्यस्थता के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। Then the third way that we are going to go close to the Lord is through our prayers of intercession। खास करके हम लोग दानियल के अध्ययन से अध्ययन कर रहे हैं, नौवे अध्याय से हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। And specially we are meditating from the book of Daniel chapter 9 and we are going to study about Daniel him। को आगे रखते हुए हम लोग इन सारे वचनों को देख रहे हैं। Keeping in mind Daniel's character, we are studying all these क्योंकि things। क्योंकि Daniel ये हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। Because Daniel is a best example for us। जिसने अपनी प्रार्थना, उपास प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को जानने के द्वारा बहुत सारी चीजें की हैं और उससे परमेश्वर प्रसन्न था और परमेश्वर ने उसके सारे कामों को सफल किया है। Daniel was a man of fasting and prayer। He was a man who pleased God and that's the very reason why God blessed all the work of his hands and he was successful in everything। आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं, नौवां अध्याय उसका 5 और 6 हम लोग पढ़ेंगे। Daniel chapter 9 verse 5 5 and 6। हम लोगों ने तो पाप
हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, कुटिलता, दुष्टता, दुष्टता और बलवा किया है, और बलवा किया। देखिए क्या क्या कह रहा है वो प्रार्थना के अंदर, हम लोगों ने पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया, तेरी आज्ञा और नियमों को हमने तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग, तेरे दास जो नबी लोग जिनको तूने हमारे बीच में भेजा था, हमारे राजाओं, हमारे राजाओं, हाकिमों, हाकिमों, पूर्वजों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से, सब साधारण लोगों से जो हमारे ऊपर थे, जिनको तूने रखा था, तेरे नाम से बातें करते, तेरे नाम से वो बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी, उनकी हमने अनसुनी कर दी, हमने नहीं सुनी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल किस प्रकार कहता था। आइए हम लोग आज सीखेंगे मध्यस्थता की प्रार्थना में क्या सामर्थ है। दानियल चैप्टर 9 वर्स 5 एंड 6। We have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled even by departing from thy precepts and from thy judgments. Neither have we hearkened unto thy servants, the prophets which spake in thy name to our kings, our princes and our fathers and to all the people of the land. Here we are going to see the power of intercessory prayers. हाँ, यस, हम देखते हैं कि मध्यस्थता की प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। We are going to learn the power and the prayers of intercession. यहाँ पर हम खास करके डैनियल के जीवन में देखेंगे उसने कैसे मध्यस्थता की प्रार्थना की है। We are going to learn from the life of Daniel how he interceded. उसकी मध्यस्थता की प्रार्थना के अंदर एक धार है, हम सीख सकते हैं, एक सामर्थ्य है और हम लोग कई आशीषें पा सकते हैं। There was an edge to the prayers of Daniel and there was power in his intercessory prayers and we are going to learn things from him. आइए देखते हैं पहले तिमोथी 2 के 1 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ तिमोथी को लिखते हुए पौलुस क्या कह रहा है इस चीज को हम लोग देखेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन। Let's see from the word of God what Paul had to address to Timothy in 1st chapter in 1st Timothy chapter 2 verse 1. Yes. आप में सबसे पहले यह आग्रह करता हूं, मैं अब यह सबसे पहले आग्रह करता हूं, विनती, विनती और प्रार्थना, और प्रार्थना और निवेदन, और निवेदन और धन्यवाद, और धन्यवाद। ये चार चीजें यहाँ पर पौलुस बता रहा है, चार चीजें हमें यहाँ करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यस, सब मनुष्य के लिए किए जाए, सब मनुष्य के लिए, सब मनुष्य के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं कहा, सब मनुष्य मतलब पूरी मानव जाति इसके अंदर आ जाती है। यस, हम देखते हैं इनमें से निवेदन जो है और खास करके मध्यस्थता के बारे में परमेश्वर हमें बताता है और ये चीजें अगर निवेदन और मध्यस्थता की हम प्रार्थना करते हैं तो हम खास करके परमेश्वर के बहुत निकट हम लोग चले जाते हैं, ये हमारे लिए धन्य होगा। 1 Timothy 2:1-2 I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Here Paul is saying that we need to do 4 things, that is supplication, prayers, intercession and giving of thanks. These are the 4 important things that we need to do. But when we are interceding, that is the time we are very close and intimate with the Lord. Dosto, madhyastha ki prarthana jo hai, ye prarthana ka sarvottam sthar hai. And the prayer of intercession is the highest form of prayer. और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर भी एक प्रभाव पड़ता है। And when people intercede, that is the time they can actually influence even God. अब हम यहाँ सीखेंगे कि दानियल ने फिर किस प्रकार से प्रार्थना की है या मध्यस्थता की है। Today we are going to learn what kind of prayers did Daniel offer and what manner he interceded. खास करके हम लोग देखें दानियल के जीवन से हम लोग सीखें उसने दूसरों के स्थान में अपने आप को रखा है। The first thing that we see is Daniel placed himself in the shoes of others. Yes, यही चीज हमें सीखनी है। जब आजकल हम जो प्रार्थना करते हैं हम दूसरों को नहीं, हम अपने आप को दूसरों के स्थान में नहीं रखते। हमारी प्रार्थना से प्रभु उसको क्षमा कर, प्रभु उसने पाप किया है, प्रभु उसने ये किया, प्रभु उसने किया है, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आप जान रहे हैं क्या? मध्यस्थता के अंदर दूसरों का आदर करना और दूसरों को अपने स्थान में रख के प्रार्थना करना ही एक अद्भुत और प्रिय प्रार्थना होती है।
We see from the life of Daniel that he interceded for others. Many a times we pray, but we don't intercede for others. Many a times we say, God forgive them, do this and do that for them. But we never place ourselves into their shoes, and we never pray in the manner that as if those things that we are praying for is for our own self. We never put ourselves into their shoes and intercede before the Lord. That is the reason why we are not able to see any amazing things. Yes, hum dekhte hain ki Daniel keh raha hai ki hum logo ne paap ki Here we see Daniel is saying, "We have sinned, O Lord." अब वो किसी के लिए अपने कौम के लिए यहूदी कौम के लिए परमेश्वर के उस प्रार्थना कर रहा है उसने बाइबल पढ़ा कुछ ज्ञान मिला अब उसको जानता है कि इस चीज को पूरा होने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता इसलिए वो उन लोगों के अंदर अपने आप को रखता है अगर आप और मैं होते तो हम ऐसा नहीं कहते प्रभु मेरे लोगों ने पाप किया प्रभु उन्होंने ये किया प्रभु उन्होंने नहीं दानियल कह रहा है मध्यस्थी की प्रार्थना में प्रभु हम लोगों ने पाप किया है Here we find Daniel was praying for the people, the Jewish people, for his own people. And that is the time when he had read from the word of God certain things about them. He knew that prayer is the only way out through which they can escape from that situation. And that is the reason why he began to intercede for those people. He didn't just pray saying, Lord, that these people have sinned. But he interceded and said, we have sinned. Many a times we pray and we say, God, these people have sinned. Forgive them, O Lord. We never say, Lord, I have sinned and forgive. प्रभु के लोगों हम लोग दानियल के जीवन को यदि हम देखें तो यहाँ पर हम एक बात बहुतायत से हम लोग सीख सकते हैं उसके जीवन में हम कोई पाप नहीं देखते क्योंकि तीन वक्त प्रार्थना करने वाला यह व्यक्ति था और इसने ये प्रार्थना जो किए एक और दो दिन ने किए 90 साल की उम्र में जब ये आ गया है तब भी वही रूटिंग उसके जीवन के अंदर है 90 साल की उम्र में भी इसकी रूटिंग नहीं बदली है प्रार्थना में सामर्थ्य है इसलिए भजन संहिता 119:11 में लिखा है 13 वचन मैंने अपने हृदय में छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं Here we see from the life of Daniel that he was a man of prayer right from his childhood till his old age. Daniel went on praying and praying and it was his habit that he was praying almost for 3 times in a day. And even though he was at the age of 90, still he didn't give up his prayer life. And that is the reason why he was successful. And as the Psalm tells us that he had hid his word, God's word in his heart so that he will not sin against the Lord. And that's the reason why Daniel was able to lead a sinless life in the sight of God. Yes, Daniel कह रहा है हमने पाप किया है, कुटिलता की है, दुष्टता की है, बलवा किया है. And Daniel says, we have sinned against you, O Lord. We have done iniquity against you. We have rebelled against you. तेरे दास जो नबी थे, जो हाकिम थे, जो साधारण लोग थे, जो राजा थे, हमने उनकी नहीं सुनी है. And further he says, we haven't listened to your prophets. We haven't done what was right, O Lord. वो कह रहा है कि ना सुनने के कारण हमने पाप किया है और तेरे विरुद्ध बलवा किया है. And he says, because we have not listened to them, we have rebelled against you, O Lord. और इतना ही नहीं पर हम पर हमारे परमेश्वर से फिर गए हमने उसे त्याग दिया है. And further he says, we have forsaken our Lord. We have turned our backs on him. हमने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर यहोवा को ना मानने के कारण हमारे अधर्म से हम लोग नहीं फिरे We have disobeyed the Lord and because of our sin and iniquity we have turned against the Lord we have sinned against him Bible batati hai Daniel ne na to hi paap kiya tha na hi uski aagya ka ullanghan kiya tha lekin madhyastha ki prarthana ke andar wo apne aap ko dusron ke sthan mein rakh ke parmeshwar se prarthana kar raha hai The Bible very clearly says that Daniel did not commit any kind of sin but still when he was interceding for his people that is the time when he placed himself in the shoes of his people and he began to intercede in such a manner that as if he had committed that sin की प्रार्थना के अंदर अपने आप को दूसरों के स्थान पे रख के उनके पापों को अपने ऊपर लेके प्रार्थना करना ही मध्यस्थता की प्रार्थना है When a particular person says an intercessory prayer, that is the time when he needs to place himself in the place of that very person. He needs to accept and acknowledge the sin that the other person has committed. फिर ये मध्यस्थता क्या है? इसे हम आज सीखेंगे. What is this intercession? We are going to learn about it today. इसका अर्थ है कि किसी साधारण रूप से प्रार्थना नहीं करना है. Intercessory prayers are not ordinary prayers. जैसे हम बहुत आसानी से प्रार्थना कर लेते हैं. It is not a simple prayer that we make. वास्तव में ये मध्यस्थता जो है ये दूसरों के अधर्मों को अपने ऊपर लेके एक दर्द और कष्टों कराते हुए अपने आप को उसमें शामिल करना है और उनके छुटकारे के लिए उस बात के लिए हमें परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाना ये है मध्यस्थता
Intercessory prayers are not ordinary prayers. They are prayers which are effective. They are powerful because when people make intercessory prayers, that is the time when they are placing themselves in the shoes of others. They are accepting the sins that were committed by others, and they pray with great groanings in their heart, with great pain in their heart, and then they begin to pray for their deliverance, for their blessings as such. मान लीजिए आपके जीवन में किसी एक लकवे के मारे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का आपको अवसर मिल रहा है. Imagine you got a chance to pray for a person who was paralyzed. सबसे पहले हमारे अंदर एक दुख की चाह होती है, दुविधा होती है, ये मेरी प्रार्थना से ठीक होगा क्या? First and foremost, we have a great confusion in our mind. We have a big doubt saying, if I pray, will this person be healed? सबसे पहले हमें ये विश्वास करना है कि प्रार्थना में सामर्थ है और प्रभु इसे छू के खड़ा करेगा. First and foremost, we must believe there is power in prayer, and when we pray, that is the time when the Lord will raise him up. प्रार्थना में सामर्थ है. There is power in prayer. और काम करने वाला हमारा परमेश्वर है. And it is the Lord Almighty who is at work. अब आपको ये मौका मिला है तो आपको ये मौका नहीं खोना है. If you have got an opportunity to pray for a person, do not miss this opportunity. कई लोग आज भी ऐसी प्रार्थना करते हैं जब उनको मिलता है प्रभु यीशु ये है, प्रभु यीशु आप आइए और इस लकवे के आदमी को ठीक कीजिए. Many a times people pray in such a manner, Lord Jesus, come down and heal this person. आज भी हम प्रभु यीशु को बुला रहे हैं. Even today you are calling the Lord Jesus. प्रभु ने हमें सारा अधिकार दिया, हम अधिकार के साथ क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? The Lord has given us all the authority. When he has given us the authority, why don't we pray with that authority? हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने शरीर से हलचल नहीं कर सकता है. उसके लिए सब कुछ असंभव है, लेकिन हम जाने कि हमारा परमेश्वर असंभव को ही संभव करने वाला परमेश्वर है. We are praying for such a person who is absolutely helpless, who is absolutely motionless, and for such a kind of a person we are praying. तो आप ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो आप कहिए मुझे दो दिन का समय दीजिए, आप उपासना और प्रार्थना कीजिए और फिर जाके उसके लिए प्रार्थना कीजिए, या फिर उसी समय प्रार्थना कीजिए. लेकिन आपको उस व्यक्ति को जिस परिस्थिति में वह है उसे अपने स्थान पे आपको रखना, अपने स्थान में आप उसके स्थान में अपने आप को रखना पड़ेगा. मानो वो लकवे का मारा हुआ नहीं है, आप लकवे के मारे हैं और वो जिस बिछाने में पड़ा, जिस दर्द और वेदना के अंदर, वो दर्द और वेदना को अपने अंदर लाके जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कहूंगा ये सही प्रार्थना है. प्रभु के सिंहासन को आप हिलाओगे, आंसुओं के साथ आप रोगे, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा. When you get a chance to pray for such kind of people, at that time always tell them that certainly I'll pray for you if you can fast and pray for them for 2 days and then visit their home and pray for such people. If not, pray for them immediately then and there itself as such. And when you are praying for that particular person, pray with such a burden and pain in your heart as if you yourself have experienced a paralytic stroke in your life and you are experiencing all the pain and agony in your body. When you pray with groaning, that is the time when the Lord will actually work. Yes, aapko agar aapke sharir mein kahin chot lagi hai, uski vedana kitni hai, bhale wo dusron ko itni si dikhti hogi, lekin itne zakhmi bhi kitni vedana leke aate hain, ye keval wo insaan janta hai. Aise hi madhyasthi ki prarthna hai. Dusron ke liye jab aap prarthna karte hain, madhyasthi karte hain, to aap unke dard ko sochiye, ye mera dard hai, mere sath aisa ho raha hai. Aur jab aap aise tutke rokar aap prarthna karte hain, मैं कहूंगा असंभव संभव होगा. और ऐसा व्यक्ति जो बिछाने पे है, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसे खड़ा करेगा. Whenever you look at a wounded person, you can see only the wounds of a person, but only the person who is wounded can actually experience the pain that he is going through because of the wound, and the pain is very deep and it is hurting him. Then in the similar manner, whenever you get a chance to pray for a person, pray with deep groanings in your heart, and when you pray, that is a time when the Lord will do an amazing thing and the Lord will heal them. सबसे पहले आप जानिए आप अभिषेक से भरे हैं. First thing, know that you are filled by the anointing of God. सबसे पहले आप जानिए वचन आपके अंदर है. Know that you have the word of God in you. सबसे पहले जानिए स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपको दिया गया है. Know that all the authority of heaven and earth is given to you. सबसे पहले जानिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है. Know that the Holy Spirit resides in you. ये जानिए कि यीशु आपके साथ है. Know that Jesus is with you. और फिर जब ये सब आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर दे तो बताइए असंभव संभव होंगे या नहीं होंगे. When you are going to pray with all this kind of belief, then tell me, will not the impossible things be made into a possible thing? हम लोग कई लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं.
We need to many at times we just long to get rid of certain kind of people. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फोन मुझे इलाहाबाद से आता है. I receive a phone call from Allahabad. वो जब बहन यहाँ थी तो उसकी परिस्थिति बड़ी भयानक थी. When this particular sister was here, her situation was very terrible. अब वो बहन जो है बहुत काफी ज़्यादा बात करती, बहुत ज़्यादा बात करती है. And this sister is very talkative by nature. वो विषय को स्थानांतर कर देती है. And she keeps on moving from one topic to another topic. लेकिन मैं जानता हूँ उसकी परिस्थिति क्या है. But I know her condition. मैं कितने भी गर्दी में रहूं, कितने भी भीड़ के अंदर रहूं, कितना भी व्यस्त रहूं, जब भी मैं उसका फोन ले मैं देखता हूं तो मैं उसके लिए प्रे करता हूं. मैं जानता हूं मैं एक दिन मेरा परमेश्वर उस बहन के जीवन में काम करेगा, क्योंकि आज वह वेदना के अंदर है, दुखों में, जकड़ों के अंदर है. अगर वो छुटकारा पाले तो वो यीशु की बेटी बन जाएगी. And I know that this particular sister is in great pain and trouble, and that's the reason why no matter how busy I am or wherever I am, whenever I receive a phone call for her, from her, I always make it a point to pray for her, because I know a day is going to come when this particular daughter will turn into the daughter of the Lord Jesus Christ. यदि लोग आपको अपने अनुरोध कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो उन्होंने आपके अंदर यीशु को देखा है, इसलिए वो आपसे निवेदन कर रहे हैं. If you have experienced that people call you and they tell you, please pray for me, that means that they have seen the Lord Jesus Christ in your life, and that is the reason why they want you to pray for them. आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कई लोगों को उत्तर मिला है, आपकी प्रार्थना के द्वारा कई लोग आशीषित हुए हैं, आपकी गवाही परमेश्वर ने बनाई, इसलिए लोग आपको प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं. Because the Lord has answered your prayers, because the Lord has worked through your prayers in their life, and they have seen the work of God working in your, happening in your life, that is the reason why people tell you to pray. They have witnessed it. हर एक व्यक्ति जो भी तुम्हें प्रार्थना करने के लिए कहता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए. And that's the reason why whenever anybody tells you any particular request, always make it a point to pray for them. दर्द के साथ प्रार्थना कीजिए. Pray for them with great burden. Pray for them with groaning. ना जाने उस दिन की प्रार्थना के द्वारा शायद उसे प्रार्थना का उत्तर मिल जाए. You never know that through your prayers that particular person will receive an answer to his prayer that very day itself. प्रभु की महिमा और स्तुति हो. To God be the praise and the glory. परमेश्वर को आदर और सम्मान मिले. To God be all the honor and glory. मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के अंदर, स्तुति आराधना के अंदर सामर्थ्य है. There is power in prayer. There is power in praise and worship. कई बार परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करता है. Many times the spirit of the Lord works in an amazing manner. मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ. Let me give you one testimony. पिछले गुरुवार के दिन जो हमारी एक धन्यवाद की प्रार्थना थी, उसके बीच में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ. Last week on a Thursday we had a special Thanksgiving meeting, and what happened during that? और घर में आई, वो कमजोरी का सामना कर रही थी. And there was a particular sister who was experiencing great weakness in her life. और उसने उस धन्यवाद की प्रार्थना में आने के लिए कहा कि मुझे ये जरूर देखना है. उस कमजोरी के अंदर में भी वो धन्यवाद दे रही थी. Though this sister was very weak, but still she said, "I would like to be a part of this special Thanksgiving service." और आराधना के दौरान ऐसा हुआ. And during the time of worship, it so happened. आराधना करते 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 आत्मा के अभिषेक ने उसे छुआ, अपने बिछाने पे से वो नीचे आ गए और गिर गए, और उसके बाद जो उसकी वेदना थी, तकलीफ थी, दुख थी, जो ये सब कुछ उसके जीवन में से ये सब कुछ हट गया और वो उठकर खड़ी हो गई, परमेश्वर को धन्यवाद देने लग गई, और उसे परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से छुटकारा दिया है. And this particular sister was so weak and fragile that she was sitting on her bed and listening to the worship and praising God. And while she was doing so, the power of the Lord touched her life, and she fell down from her bed. And that is the time when she got up, and we see that the Lord gave a great deliverance in her life. उसने फोन करके हमें बताया. And she called me and she told me. यह स्तुति आराधना और प्रार्थना का सामर्थ्य. This is the power of praise and worship and prayer. मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि मेरा बेटा जो है वो बैकस्लाइड हो गया, पीछे हट गया, बाइबल नहीं पढ़ रहा, चर्च नहीं आ रहा, कृपा करके उसके लिए प्रार्थना की, तो आप बाकी चीजें मत कीजिए. वो एक दुख के साथ, एक वेदना के साथ आपको कुछ कह रहा है, इसलिए आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए. If a particular person tells you, please pray for my son, he has backslidden, he is no longer praying, he is no longer reading the Bible, then don't pray for any other thing. Just pray with burden for the particular request that was presented before you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें कमांड का तमाम जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कई माँ बाप जो है मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बच्चे उनकी नहीं सुन रहे हैं.
It is very essential for us to pray for young boys and girls because we find that the parents have become completely helpless. Their children are not listening to them. भले उनका कारण कुछ क्यों ना हो. No matter what other reason they may be having. लेकिन आज हम विश्वास करें मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर वो सामर्थ है, वो उनके जुओं को तोड़ सकता है. पीछे लौटे हुए बच्चे वापिस से प्रभु के अंदर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे. But know that there is power in prayer and today the children, those who are backslidden, they are the same children who are going to turn back towards the Lord once again and they'll be filled by the Lord's Spirit and they will be one day used by the Lord. आप सोचिए कि वो उनके बच्चे ने, वो आपके बच्चे हैं, ऐसा बोझ लेके उनके लिए प्रार्थना कीजिए. And when you have to pray for those children, you have to pray in such a manner as if those backslidden children are your own children. कई बार हमारे बच्चों को सेवा के अंदर और प्रभु की महिमा और सेवा करते हुए देख के हम बड़े प्रसन्न होते, हम दूसरों के लिए हम बड़े बड़े ही ढीले हो जाते हैं. लेकिन उनके लिए भी ऐसे करें, प्रभु जैसे मेरे बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरे राज्य में हैं, तेरी सेवा कर रहे, तेरे राज्य को बढ़ा रहे, प्रभु ये भी हमारे बच्चे हैं, प्रभु इन पे दया कर, कृपा कर, इन्हें अंधकार की सामर्थ्यों ने घेर लिया, शैतान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट न बने, ये तेरे लिए यूज हो. अगर हम ऐसे बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे, सर मैं कहना चाहूंगा रिजल्ट आपको लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा. वो बच्चा छुड़ाया जाएगा और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होगा. When you see your own children working for the Lord, growing in the Lord, at that time you are very happy. But let me tell you, you need to pray for those children also, those children who are backslidden. And when you pray for them, and when you say, Lord, I desire to see these backslidden children also serving you, growing in you, that is the time when the Lord will certainly work in their life. And one day, for sure, even if it is late, you will certainly see that those children are also growing in the Lord and they are serving the Lord. And definitely these children will receive great deliverance in their life and the Lord will do amazing things in their life. आपको किस जब मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं तो आपके हृदय में वास्तविक दर्द होना चाहिए. When you are praying the prayers of intercession, you must have the real pain and groaning in your heart. आपकी आंखों में आंसू होना चाहिए. You must have tears in your eyes. एक वेदना के साथ आप प्रार्थना कीजिए. With great pain you must pray. Yes, मैं आपसे कहना चाहूंगा यदि किसी ने कोई गलती की है तो साधारण रूप से हम लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस भाई को माफ करिए. कितनी साधारण सी प्रार्थना हम करते हैं, ये मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं है. Many a times when somebody does something wrong, at that time very in a light manner we say, Lord forgive this person. But is it a prayer of real intercession? कई लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना, हो मैं तुमसे साथ ही प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ. And many a times people tell us, pray for us, and at that time we quickly respond and say, yes, yes, I'm praying for you. मैं तो कहना चाहूंगा कि आप लोगों से कई बार हम झूठ बोलते हैं, हम स्वयं खुद के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं. But let me tell you, many of us are great liars. We don't pray even for ourselves. What are we going to pray for others? हमें बोझ से प्रार्थना करना सीखना है. We must learn to pray with burden. आपको उस व्यक्ति को उस स्थान पर अपने आप को रखकर उसके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना है. You must place yourself in the shoes of that very person and pray प्रभु with burden. इस भाई ने पाप किया, इसके पापों को क्षमा कर, इसे प्रभु इसकी आत्मिक आंखों को खोल परमेश्वर, प्रभु इसे वापस लौटा के लेके आ प्रभु, नहीं तो ये नाश हो जाएगा. इसे दर्द के साथ आपको प्रार्थना करना है और मैं कहूंगा आपकी मध्यस्थी की प्रार्थना उत्तर लाएगी, काम करेगी. You must pray with great burden and pain for that person and pray, Lord, this person has turned away, Lord, once again bring him to you, O Lord, and change his way. Then certainly your prayers will bring the desired effect in that person's life. टूटे हुए हृदय से जो प्रार्थना करता है, मैं आपको कहना चाहूंगा प्रार्थना में अधिक प्रभाव डालता है और आपकी प्रार्थना हो और आमीन में बदल जाता है. When a person prays with a broken and a contrite heart, his prayers have great power and his prayers turn into Yes and Amen. आइए चलते हैं और देखते हैं 53वें अध्याय के 12 और 13 वचन में हम सीखते हैं. यशायाह 53वां अध्याय उसके 11 और 12 वचन को हम लोग देखेंगे. Isaiah 53:11-12. वह अपने प्राणों का दुख उठाकर. हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि यशायाह यीशु मसीह के बारे में लिखता है और यहाँ पर हम यीशु मसीह की मध्यस्थता की प्रार्थना को, एक सामर्थ को हम देखते हैं किस प्रकार उसने यहाँ पर प्रार्थना की है. यस, यहाँ पर हम यीशु मसीह की मध्यस्थता की जो 700 साल मसीह के जन्म के 700 साल पहले पुस्तक लिखी गई है उसे दर्शन के अंदर परमेश्वर के आत्मा ने सब कुछ बताया है. यस,
वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया वह अपराधियों के साथ गिना गया तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के संग विनती करता गया। हालेलुया। यहाँ पर हम यीशु मसीह की मध्यस्थता को देखते हैं। By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Here we see the intercessory pattern of the Lord Jesus Christ. Yes, हम देखते हैं यहाँ पर, मैं इस वचन को आपको खोल के जरा बताना चाहता हूँ इसके अंदर क्या लिखा है परमेश्वर ने। I would like to elaborate this particular verse and tell you in detail. Yes, यहाँ हम देखते हैं कि मध्यस्थी की प्रार्थना क्या है। What is this prayer of intercession? मध्यस्थी की प्रार्थना को याद रखना, वेदना, प्रार्थना के अंदर वेदना उठाना है। Know that prayers of intercessions are prayers of great agony और जो वेदना के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसे उसका फल भी उसे देता है। And when we pray with great agony, that is the time when the Lord will also reward and answer our prayer. प्रभु के लोगों, यदि आपके अंदर मध्यस्थता की प्रार्थना का आत्मा है, तो उसके द्वारा परमेश्वर बहुतों को धर्मी बनाएगा या ठहराएगा। People of God, if you have the spirit of intercession in you, if you pray in such a manner, then through your prayers, God will make many people into righteous people. क्या आप समझते हैं कि मध्यस्थता की प्रार्थना से यह हो सकता है, तो क्यों ना हमारे प्रार्थना मध्यस्थता की प्रार्थना के कारण अनेक लोग धर्मी ठहरे। People of God, when the word of God tells us through the prayers of intercession, many shall become righteous and find their way. हर एक भाई और बहन, आज जवान बूढ़ा, अगर इस बात को समझ जाए, तो मैं कहूंगा अगर ऐसी मध्यस्थता की प्रार्थना होने लग गई, तो धर्मी से ये पृथ्वी छा जाएगी, भर जाएगी। कितना अद्भुत काम होगा, और हमारा यीशु बहुत जल्दी आएगा और धर्मियों को ले जाएगा। People of God, if every man and woman, every young and old person in the church were to understand the power of intercessory prayers, then certainly this world will be full of righteous people, and definitely the Lord Jesus Christ will come very soon. मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रसर की जो वेदना होती है अत्यंत भयानक होती है। And let me tell you, the labor pains are the most strong and the painful pains that anybody can experience. क्योंकि हवा को जब शाप दिया गया, तो उसे ये दिया गया। Because when Eve was cursed, that is the time she was being cursed with this particular kind of curse. 25 साल के अंदर 3 मौके मेरे जीवन में ऐसे मिले कि ऐसे डिलीवरियों के समय में मैं प्रार्थना करने के लिए गया था और मैंने कुछ अनुभव किया। And in 25 years of my ministry, I have experienced 3 times when I got the chance to go and pray for women who are about to deliver a child. मैं एक अस्पताल के अंदर था और प्रार्थना करने के लिए सुबह गया था। I was in a hospital and I went early morning to pray. उसके पति ने मुझसे कहा, सर मैं एक थोड़े समय कि मैं आता हूँ। मैंने कहा, जल्दी आना सर, अभी ये डिलीवरी का टाइम है, आपकी जरूरत यहाँ की। बोले, मैं अभी आ रहा हूँ करके। And the husband called me and he said, Pastor, I am coming. You go over there. And I told that particular man, brother, please come soon because your wife will deliver at any point of time. और ऐसा हुआ कि उस बहन को ये प्रसव पीड़ा बहुत तेजी से होने लग गई। And it so happened that this particular sister began to experience intense kind of labor pains. और डॉक्टर लोग सोच रहे थे कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसका वो इंतजार वो कर रहे थे। And the doctors were waiting so that she could deliver in a normal manner. और फिर ये बहन जो थी लेबर रूम के अंदर थी। And this sister was in the labor room. अब उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि अगर हम और समय अगर ये करेंगे, तो ये बेटी इसके अंदर में से आने वाला वो बच्चा और वो ये बहन, दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनके डॉक्टर ने कहा कि ताबड़तोड़ तुम इसे थिएटर के अंदर लेके चलो, इसे सीजर करना पड़ेगा।
And this sister reached a particular situation in her life where it was difficult for the doctors to save the child as well as her. So they decided to go for an immediate C-section. और वो सिस्टर आई और उसके पति का नाम लेके पुकार रही थी, कौन जल्दी से आओ, लेकिन वो तो नहीं था। फिर वो थोड़ा गुस्से में हो गई, अंदर गई, वापिस आई तो बोले उनका कोई रिलेटिव है क्या, तो कोई ये नाम का आदमी कहाँ है? तो मैंने कहा मैं हूँ, सामने खड़ा था। मैंने कहा यस, बोलिए क्या है? तो बोला आपको समझता नहीं क्या? वो चिल्लाने लगे, वो ऐसे समझने लगे, वो नर्स ने समझा कि मैं उसका पति हूँ। मैं बोला क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोला तुमको समझता नहीं है, उनको सीजर करना है, साइन करना है। मैं बोला लाओ ना, मैं साइन कर देता, और मैंने ये साइन कर दिया। बड़ी पीड़ादायक वेदना थी वो। And this sister reached a critical stage, and the nurse from the theater walked out, and she began to scream with her husband's name, and she began to yell very loudly. And when nobody responded, again she went in, and she came back after some time, and she began to say, "Is there nobody of this patient?" And that is the time when I said, "I know this particular patient," and this particular nurse assumed that I am her husband, and she said, "We need to sign these papers and all." Then at that time I told her, "Give me the papers, I will sign." And I had seen that this sister. This condition was really very bad. और जब उसे थिएटर में ले जाया जा रहा था, तब उसने मुझे देखा और कर्रा रही थी, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, बहुत दर्द हो रहा है। And while the sister was being taken into the operation theater, at that time when she saw me, she began to cry with great pain, and she said, "Pastor, it's very painful for me. Please pray for me." मैं बहनों से कहना चाहूँगा, ये जो शाप जो है, यीशु मसीह ने आपका उठा लिया। आप उस समय में से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इस वेदना को सहने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। लेकिन इसके बाद एक खुशी रखी है, इतनी वेदना को जब वो बहन सहती है, तकलीफ होती है और कहती है मुझे नहीं चाहिए बच्चा, लेकिन जैसे ही बच्चे को देखती है, अपने थोड़े समय के पहले के उस वेदना को वो भूल जाती है, उसका वो मातम, वो दर्द जो है आनंद में बदल जाता है। We know that this labor pain is very terrible to the such an extent that many times women also say that I don't even want this child, but I just want to get rid of this labor pain. But that moment when the same woman sees her baby, she forgets all her pain, and then she experiences great joy in her life. And we see that this was a curse which came into force into the lives of the women, all because of Eve. But if we were to pray, certainly the Lord Jesus Christ can help us to come out of this curse, and we can say to the Lord, "Lord, give me the strength to bear this pain." Yes, हम देखते हैं कि प्रार्थना में वेदना उठाने के पश्चात, एक पीड़ादायक प्रार्थना में संघर्ष करने के बाद आपको कैसा लगता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप इस प्रकार वेदना दुख उठा के किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, और जब यह प्रार्थना समाप्त हो जाती है, मैं कहूंगा आपका जीवन जो पीड़ा दर्द के साथ जो आपने प्रार्थना की, बड़े शांति बड़े आनंद के साथ होता है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा आपके द्वारा करा रहा होता है। आपको एक आनंद मिलता, और जब आपको यह मालूम पड़ता है कि आपने जो प्रार्थना जिस व्यक्ति के लिए की थी उसका उत्तर मिल गया है, मैं कहूंगा आपका आनंद इतना हो जाता है, आप इतने शांति आनंद से भर जाते हैं, आप उस समय का जो मोमेंट होता है मैं शब्दों में नहीं बता सकता, आप इतने खुश हो जाएंगे। When you pray for a particular person with great pain and groanings as such, and when you receive the answer to your prayers, that is the time when you actually are so happy, you are so thrilled and excited that this joy is absolutely inexpressible. You cannot, you don't have enough of words to express the joy that you are having in your heart. आपको जो उस वक्त वो आनंद मिलता, आपने कई प्रार्थना की होगी, लेकिन वो प्रार्थना से बढ़कर ये जो मध्यस्थता की जो प्रार्थना की, उसमें जो आपको आनंद मिलेगा, वो आनंद और ये आनंद में जमीन आसमान का फर्क होगा। You might have said many prayers in your life, but the prayers of intercession that you make and the joy that you receive from the answers of your intercession prayers are very different. दूसरी बात हम लोग देखेंगे, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। And we see the second thing, my righteous servant shall justify many. आप अपने आप को धर्मी ठहराकर और बचाकर दूसरों के ऊपर आप दोष लगाना, ये मानवीय स्वभाव है। It is human tendency to justify our own self, to call ourselves righteous and to pinpoint fingers at others. ये सिर्फ हर एक बार होता, हम हर बार अपने आप को निर्दोषी ठहराते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। It always happens with us. We always justify ourselves and we accuse others. Yes, ये हमारे जीवन में होता, ये एक मानवीय स्वभाव है, बहुत गलत है ये। This is nothing but a human nature, but it is absolutely wrong. लेकिन दूसरों का दोष अपने ऊपर लेके लेके दूसरों को धर्मी ठहराना, ये ईश्वरीय स्वभाव है।
But to bear the sins of others and to make intercession for the transgressor is a sign of a divine nature. Yes, ये ईश्वरीय स्वभाव है. This is a divine nature. यीशु ने इसी प्रकार किया. उसने सारे संसार का इतने भयानक पाप जो हमने किए थे उसने अपने आप के ऊपर उठा लिया. आपको मुझे निर्दोष किया. आपको मुझे अनंत काल का जीवन दिया. आपको मुझे पवित्र आत्मा दिया. आपको मुझे सामर्थ्य वचन दिए. सब कुछ उसने क्या लिया. आपने प्रभु यीशु को क्या दिया ये तो जानिए. आपने कोई अच्छाई नहीं दी है. सब बुरे चीजें दी है. शाप उसने सब कुछ आपका मेरा उठा लिया है और आपको मुझे शांति आनंद और अनंत काल का जीवन दिया है. कोई है जो मेरे साथ बोले आमेन. Everything the Lord Jesus Christ has done for us, there was nothing good in us, but still he did everything for us. He has given us the peace that we desired. He has given us the joy. He has given us the deliverance. All the blessings and everything that we have is from him. हम दूसरों को धर्मी ठहराएं. दूसरों के दोषों पे दोष ना लगाएं, लेकिन उनके दोषों को लेकर अपने स्थान में रखकर हम उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें. Let us not condemn others, but let us take up for others and let us intercede for them and let us accept their transgressions. एक मध्यस्थी करने वाला इस प्रकार होता है. वो कहता है उसकी गलती नहीं है, ये सर मेरी गलती है. कितना अद्भुत है ये. एक प्रार्थना करने वाले का स्वभाव ही अलग होता है. वो नम्र होता है, दीन होता है. वो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता या नहीं देता है. And people, those who are praying, they have a different nature. Intercessors are completely different in their nature. They are the people who will always pray for others. They are the people who are so humble and meek, and they will pray for others as if they have, they themselves have committed the sins and transgression, and they will seek forgiveness from the Lord in such a manner. कई बार हमें हमारी गलती मानना बड़ा असंभव हो जाता है. हम मानते ही नहीं हमने गलती किया है. Many a times it's very difficult for us to accept that we are wrong, and almost it is impossible for us to know that or admit that we are at fault. और कईयों की डायरी के अंदर, कईयों के जीवन के अंदर सॉरी है ही नहीं. And for many people the word sorry never exists in their dictionary. मैं एक छोटे बच्चे को जानता हूँ. I know one small kid. बहुत सारी गलतियाँ करता है. He does many mischievous things. अच्छा समझदार बच्चा है वो. He is a very sensible child. लेकिन उसके डायरी में, उसके जीवन में सॉरी नहीं. सॉरी बोलने के लिए कहा जाए सर नीचे कर लेगा, लेकिन सॉरी कभी नहीं बोलेगा. दिन चले जाएगा, सॉरी बोलना कठिन हो जाएगा. And this child is very mischievous and a very good child, but still he will never ever say sorry. The entire day will pass by, but he will not say sorry. He will refuse to say it because the word sorry doesn't exist in his dictionary. ये तो बच्चे की बात बताई. हमारे विश्वासियों के भी ऐसे कई गलतियां हमारे जीवन में होती है, लेकिन हम कभी भी सॉरी नहीं बोलते. अपने आप को एकदम फिट और हिट दिखाते हैं. हम गलती करने वाले नहीं. और कई तो कहते हैं हम पाप करते ही नहीं, लेकिन बाइबल बताती है जो कहता मैं पाप नहीं करता हूं वो सबसे बड़ा पापी है. What the example that I gave you is about a kid, but many of our believers are also like that. They believe in such a kind of a lie that as if they never sin against the Lord, they never do anything wrong, and they think that they are perfect, they are absolutely sinless. But people, those who say that they don't sin, they themselves are a great sinner, because the word of God says that everybody has sinned as such. And this kind of behavior, that of not accepting our mistake itself, is very wrong. हम यीशु मसीह, हम जिस परमेश्वर यीशु की आराधना करते उसको देखिए ना. उसने क्या किया. सारे लोगों का पाप उसने उठा लिया और अपने आप को आपके और मेरी जगह वहां पे बलिदान कर दिया परमेश्वर को. Look at the Lord Jesus Christ whom we love and whom we serve. He took on the sins of everybody. He accepted the transgressions of all the people and he placed himself on behalf of them. प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे धर्मी ठहराने के लिए, संसार के लोगों को धर्मी ठहराने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया है यहाँ पे. Here we see from the word of God that Jesus Christ made use of his knowledge so that you and I can turn into righteous people. परंतु आप जानते विश्वासियों में क्या, हम अपने ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को ज्यादा धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं. This is wrong. But you know how we believers are, we make use of our knowledge and we justify ourselves and we call ourselves righteous people. This very action of ours is absolutely wrong. आइए नीति सूत्र उसके 27 के दूसरे वचन को हम पढ़ते हैं. Let's see Proverbs 27 verse 2. Yes. तेरी प्रशंसा और लोग करें, करे तो करें, करे तो करें, परंतु तू
आप ना करना, परंतु तू आप ना करना, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु परंतु तू अपनी सराहना, तू अपनी सराहना नहीं करना। आपकी प्रसिद्धि आप अपने आप में नहीं करना, आपकी प्रसिद्धि के लिए परमेश्वर दूसरों को रखा है, वो करेंगे तब आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है और कहना ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर वो परमेश्वर को उस कार्य को देखा है। लेकिन आपको अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी है, आपको अपने बारे में नहीं बताना आप कौन है, ये आपको नहीं बताना है। अगर आप बताते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा स्पिरिचुअल समझ रहे हैं, ज्यादा धर्मी समझ रहे हैं, और ये एक प्रकार का आत्मिक घमंड है। और जब हमारे अंदर एक आत्मिक घमंड आ जाता है तो हमारा गिरना निश्चित है। Proverbs 27 verse 2, let another man praise thee and not thine own mouth, a stranger and not thine own lips. Here the Bible says very clearly we must not praise ourselves using our own mouth and lips, but others should do it. Many a times people long to praise themselves, but the Bible says that others have to do so. And certainly when we do something good, the Lord has kept people ready to praise us. And always refrain from praising your own self, living in glory and self-glory and boasting about your own self. Allow others to do so. And when we have a habit of praising our own self, that is the time we live in a state of spiritual pride, and this spiritual pride will lead us to into a failure. Yes, in चीजों को हम लोग याद रखें, kindly remember all these things. दूसरों के ऊपर दोष ना लगें, never ever criticize others. प्रभु के समक्ष नम्र और दीन बने और मध्यस्थी की प्रार्थना करें, but humble yourself in the sight of God and intercede for others. हम लोग यहाँ पे हम रुकेंगे और अगले हफ्ते हम लोग आगे इस वचन को सीखेंगे. We shall stop here right now and next week we shall continue with our message. आज हमने जाना मध्यस्थी की प्रार्थना में कितना सामर्थ है. Now today we had learned that the power of आज परमेश्वर का आत्मा आपको चुनौती दे रहा है, उत्साहित कर रहा है कि आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करें. Today we have learned about the power of intercessory prayer. आइए हम हमारे मसीह के समान हम अनेकों को धर्मी ठहराएं. Today the spirit of God is encouraging us to pray for others. आइए बाइबल से मिले ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को धर्मी ठहराने की कोशिश करें. And it is encouraging us to justify others, to make others righteous through the knowledge that we have received through Christ. उसके द्वारा हम उसके राज्य को हम बढ़ाएं. Whatever we have received from the Lord, let us use it to extend His kingdom. आज अनेकों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करने की आवश्यकता है. Today there is a great need for us to pray for many. प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आज आप अस्तित्व में हैं तो आपके लिए किसी ने प्रार्थना की, इसलिए आज आपका अस्तित्व कलीसिया के अंदर बना है. People of God, know that if you are alive today, if you are existing today, it is all because of the prayers of many people. You are a result of many people's intercession. यदि हमारा बना है तो कोई हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है. If we are alive and we are good, दुखों और कष्टों के साथ आपके लिए धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को. Then somebody has interceded for us and is continuing to do so even now. That's the reason why we have been healthy. आइए अंतिम कलीसिया के लिए आंसू भरते हुए, उपवास प्रार्थना करते हुए, आइए अपनी कमर को बांधते हुए इस मध्यस्थी की प्रार्थना में हम उतर जाएं. During the end times, let us gird up a lions and let us pray and intercede for one another. आज कलीसियाओं के लिए, सेवकों के लिए, सेविकाई के लिए हमें आज मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है. We need to intercede for the men and women of God and for the various ministries that they do. आइए प्रार्थना करें हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द हो. Let us intercede and pray to the Lord that the Lord's arrival will come soon. आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में प्रार्थना करें. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक यीशु को नहीं जाना, उनका उद्धार हो. Let us see that people, those who have not known the Lord, they would know him. आइए उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें जो आत्मिक जीवन में ठंडे हो गए हैं. Let us intercede for the people, those who have become cold. जिनका मन बाइबल पढ़ने में नहीं लग रहा है, प्रार्थना करने में नहीं लग रहा है, प्रभु के साथ समय बिताने में नहीं लग रहा है, आइए उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें. Let us intercede for those people who have lost interest in reading the Bible, who have stopped meditating upon his word, those who have stopped praying unto the Lord. आइए उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो बंधनों के अंदर हैं, उनके बंधन टूट जाएं और प्रभु के राज्य में आ जाएं. Let us intercede for the people, those who are in bondages, pray that their bondages will be broken and they would come into the kingdom of God. आइए सेवा करने वालों के लिए हम प्रार्थना करें. Let us intercede for the people, those who are ministering. उनके अंदर नम्रता, नम्र हो और वो प्रभु की सेवा करें. Pray that they would serve the Lord with humility. उनके अंदर किसी प्रकार का घमंड, अहंकार ना आए. Pray that they would never be puffed up in their spirit. There would be no pride in their life. आइए हम प्रार्थना करें, आज हमें प्रार्थना की आवश्यकता है. Let us pray for everybody because each one of us need prayers. आइए कुछ समय हम प्रार्थना करते हैं. Let us pray for a while. Yes, आप जहां पे भी हैं प्रभु का आत्मा आपको भरे.
Wherever you are, may the spirit of the Lord lift you up. और आज के बाद आप लोग मध्यस्थ की प्रार्थना में उतर जाइए. And may you turn into an intercessor from today. प्रभु के लोगों, मैं कहना चाहूँगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके इर्द-गिर्द में असंभव संभव होने लग जाएंगे. People of God, impossible things will turn into possible things around you in your family. पवित्र आत्मा से कहे, मुझे यीशु के समान बना. Say to the Holy Spirit, make me like Jesus. मुझे यीशु के समान बोलने वाला बना. Say, make me a person who will speak like Jesus. यीशु के समान सोचने वाला बना. Make me a person who will think like Jesus. मुझे यीशु के समान इस्तेमाल कर. And use me like Jesus. प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देता हूँ परमेश्वर. Lord, I thank you. तेरे वचनों को हमने सुना, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. Lord, I thank you for the word that you have given. तेरे वचन में सामर्थ है परमेश्वर. Lord, your word is powerful. आज हमने जाना प्रभु, दानियल ने किस प्रकार प्रभु मध्यस्थी की प्रार्थना की है. Lord, we have learned today the manner in which दूसरों के स्थान पे अपने आप को रख के दर्द भरी प्रार्थना उसने की है प्रभु. Daniel placed himself in the shoes of others and prayed with great groaning. और ये तुझे भाया, तू प्रसन्न हुआ और पहले ही दिन तूने उसके प्रार्थना का उत्तर भेज दिया है. And it pleased your heart and you answered his prayer the day one when he started to pray. आज के बाद प्रभु, जब हम मध्यस्थ की प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे पहले दिन ही आ जाए प्रभु. And Lord, from now on, whatever prayers we will make, may we receive the answer to our prayers on day one itself. मध्यस्थ की प्रार्थना में हम आनंद करें परमेश्वर. And may we be happy and rejoice in our presence. द्वारा तेरा राज्य बढ़ते हुए हम देखें परमेश्वर. And may we see your kingdom being established and extended through our prayers. प्रभु, इस मध्यस्थ की प्रार्थना के द्वारा अंधकार के सामर्थ्य को टूटते और बिखरते हुए हम देखें परमेश्वर. May we see the power of darkness being scattered, O Lord, through the prayers of intercession. प्रभु, आज हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Lord, we pray for our country. इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं. Lord, we pray for this pandemic. प्रभु, आज हम पूरे डॉक्टर, नर्सों और टॉप लीडरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. Lord, we pray for all the doctors and the nurses and the top leaders. आज केवल कर सकता है तो तू है परमेश्वर प्रभु. Lord, only you can do something. प्रभु, छू ले पिता परमेश्वर प्रभु. Touch us, O Lord. लोगों में जो भय यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु. Let the fear which has gripped the people's heart go in Jesus' name. डॉक्टर, नर्स प्रभु, उनको जो सुविधा चाहिए वो सारी सुविधाएं उनको मिले प्रभु जी. Lord, let all the doctors and nurses receive all the facilities that they are in need of. जितने लोगों के मन में इस महामारी के प्रति एक भय, इसके कारण वो मर रहे हैं प्रभु, उन्हें तो सहायता कर, उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु जी. और जो इस वक्त पिता परमेश्वर बड़े एक क्रिटिकल समस्या के अंदर हैं, उनको जीवन तो दे, छू ले प्रभु, और तेरा परमेश्वर आत्मा उन्हें वहां से खड़ा करे परमेश्वर. Lord, I pray for all those people who are sick, O Lord, with this deadly disease, O Lord, strengthen their heart. Remove the fear that they have in their heart, O Lord, and help them to overcome it, and help them, O Lord, to enjoy good health, O Lord. पिता, मैं हमारे PM के लिए और हमारे 29 राज्य के CMO के लिए प्रार्थना करता हूँ, बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, उन्हें चलने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर, इस महामारी का सामना करने के लिए अच्छा नियोजन बनाने के लिए तो सहायता कर प्रभु जी. Lord, I pray for our prime ministers and all our chief ministers, O Lord, give them the wisdom and knowledge, O Lord, that they need, so that Lord, they'll be able to tackle this pandemic in a right manner, O Lord. प्रभु, हमारे भारत के समय जो एक प्रभु जी परिस्थिति है, उस परिस्थितियों के अंदर तो सहायता कर परमेश्वर. Lord, help us, help our country India, Lord, in this situation. खास करके हमारे फाइनेंस को तो मजबूत कर पिता परमेश्वर. Lord, strengthen our finances. प्रभु, जितने छोटे बड़े उद्योग धंधे प्रभु वो बंद ना हो, लेकिन प्रभु से चलाने के लिए उन्हें तो बुद्धि और ज्ञान तू दे पिता परमेश्वर. Lord, I pray, let the small scale and the large scale industries not be shut down, Lord, but give wisdom, Lord, so that they function. छोटे छोटे मजदूर को नौकरी मिले पिता परमेश्वर. Lord, let every laborer get employment. हर एक जगह से परमेश्वर, हमारे हमारे देश की तू रक्षा कर पिता परमेश्वर. Lord, protect our country from every corner. हमारे देश को तू आशीष में कर परमेश्वर. Lord, bless our country. हमारे देश पे तेरी आशीष को भेज प्रभु जी. Lord, send forth your blessings upon our country. हमारे परमेश्वर PM, उनके कैबिनेट, सारे जितने बड़े लोग हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान से तू भर पिता परमेश्वर. Lord, bless our PM and our cabinet and all the authority figure, oh Lord. ऐसे समय में प्रभु जी, पूरा संसार जो एक विकट परिस्थिति से जा रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, आज हमारे साथ तू खड़े रह के हमें दिलासा दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु, और अनुग्रह दे प्रभु जी. Lord, as the world is going through a deadly situation of this pandemic, oh Lord, strengthen our hearts, oh Lord, and comfort us, oh Lord. और तेरी अगम्य शांति से तू भर प्रभु. And fill our hearts with your divine सारी महिमा, peace. गौरव, आदर, स्तुति मैं आपको देता हूँ. I give you all praise, glory and honor. त्राता यीशु के नाम में. In Jesus name I pray. Amen. Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, विशेष प्रभु टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे. Amen. God bless you.